ग्वालियर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और नए वोटर को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने एक शाम मतदाताओं के नाम कार्यक्रम रखा गया। जिला पंचायत एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम शहर के मोती महल बैजाताल पर आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह, एडीएम टीएन सिंह के अलावा स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू सिंह विशेष रूप से मौजूद थी। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यहां पर पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली और अन्य महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। मौका मुआयना करने पहुंची कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदाता इसमें हिस्सा लें, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर यह ड्राइव की जा रही है। उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं के लिए 9 अप्रैल तक नाम जोड़े जा सकते हैं, इसलिए लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मतदाता हेल्पलाइन का प्रयोग करके भी अपने मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। एक शाम मतदाताओं का नाम करके जागरूकता कार्यक्रम रखा, किस तरह के कार्यक्रम? देखिए, निर्वाचन आयोग की ये मंशा है कि सभी मतदाताओं का नाम सूची में हो, और फाइनली जब हमारे यहाँ जो 7 मई को जो वोटिंग का डे है ग्वालियर जिले के लिए, उस दिन सभी लोग मतदान के लिए बाहर आए, तो एक अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट करने के लिए कि किस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हम सभी वोटर्स की, इसके लिए सभी लोग सहयोग करें। और अभी भी बहुत समय बाकी है, यदि किसी का भी नाम वोटर सूची में नहीं है तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से आग्रह करूंगी कि अपना नाम आप वोटर लिस्ट में देख लें। यदि नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या अपने बीएलओ के माध्यम से उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। किस तरीके की चीज़ें? आज यहाँ पर बहुत अच्छी रंगोली कॉम्पिटिशन पीछे हुई है, और 4 बजे से सभी लोगों ने बहुत ही उत्साहित होकर के यहाँ पर रंगोलियाँ बनाई हैं, और अभी यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम भी होना है, तो एक अच्छा आयोजन है। बधाई देना चाहूँगी नगर निगम और जिला पंचायत की टीम। जिन नागरिकों के वोटर कार्ड नहीं बने उनके यहाँ वोटर कार्ड भी बनाया जाए। जी 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 जी, मैंने ये कोशिश करी है हमारी टीम ने कि जो अभी भी कोई मतदाता छूट गए, तो हमारे जो बीएलओ साथी आज यहाँ मौके पर उपस्थित हैं, यदि आपके पास अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो यहीं से मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा वो अपना फिजिकल फोटो और आईडी का प्रूफ दे करके अपना फॉर्म यहाँ से फिल करवा सकते हैं। वो व्यक्ति यहाँ आ नहीं पाते वोटर कार्ड बनाने के, तो बीएलओ वगैरह भी घर पर घर घर जाकर वोटर कार्ड बनाने में? बीएलओ हमेशा अपने केंद्र पर रहे हैं, और अब मैं यही बताना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा अंत का समय है और ये प्रक्रिया 9 अप्रैल तक ही चलेगी नाम जुड़वाने वाली, इसीलिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। वो बहुत ही आसान है, गूगल स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र 2 से 2.5 मिनट में आपका फॉर्म फिल हो जाता है। मैम, इस बार सैलो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 4 मतदान केंद्र हैं। कैसे? शैडो मतदान केंद्र, किस तरह की आप किस तरह के केंद्र रहेंगे? क्या शैडो मतदान केंद्र का अर्थ होता है? ऐसे मतदान केंद्र जिसमें बिल्कुल जो मतदान केंद्र की बिल्डिंग है वहाँ हमारी मोबाइल की कनेक्टिविटी कुछ कम रहती है, तो वहाँ हम अन्य व्यवस्थाएं करते हैं वायरलेस फ़ोन इत्यादि के माध्यम से, जिससे कि हमारा रिपोर्टिंग और सारी व्यवस्था बनी रहे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।